वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो इन टुडेस वीडियो आई एम गोना बी शोइंग यू दिल बेचारा मूवीज लीड कैरेक्टर संजना सांगी इंस्पायर्ड मेकअप ट्यूटोरियल। सो एज यू ऑल नो, दिल बेचारा एक मूवी है जो कि रिलीज होने वाली है 24 जुलाई को हॉटस्टार पर, और इसके लीड कैरेक्टर में सुशांत सिंह राजपूत और संजना सांगी है। और इसका जो ट्रेलर है वो रिसेंटली रिलीज हुआ है, 6 जुलाई को इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। और ये जो स्टोरी है वो एक नॉवल बुक के ऊपर बेस्ड है, और उस बुक का नाम है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। बट बिफोर दैट प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन आल्सो सो यू विल नेवर मिस आउट एनी अपडेट। सबसे पहले आप लोग उस लुक को स्क्रीन पर देख लीजिए कि मैं आज कौन सा लुक क्रिएट करूंगी। और आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख ही सकते होंगे, मैं बिल्कुल ऐसा ही लुक क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। मैं अप्लाई करूंगी एक फेस प्राइमर, एंड प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे ये वाला प्राइमर यूज कर रही हूँ, एंड दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट प्राइमर। सो आज का लुक हमें थोड़ा मैट फिनिश देना है, अपने लुक को थोड़ा मैट रखना है। सो इसलिए मैं यहाँ पे किसी भी फेशियल ऑयल का यूज नहीं करूँगी, और मैंने बस अपने स्किन को हाइड्रेट करने के लिए हल्का सा टोनर अप्लाई किया है, स्प्रे कर लिया अपने फेस के ऊपर, और उसके बाद मैं डायरेक्टली प्राइमर यूज करूँगी। और ये प्राइमर आप लोग देख सकते होंगे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है ये प्राइमर। आफ्टर दैट मैं एक कंसीलर लूँगी और इसे अपने जहाँ जहाँ भी अनइवन स्किन है वहाँ पे इसे अप्लाई कर लूँगी। सो सबसे पहले मैं इसे अपने डार्क सर्कल्स एरिया पर अप्लाई करूँगी, यानी कि अंडर आई एरिया पर। वैसे मेरे ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं हैं, बट जो भी थोड़े बहुत है इससे वो कवर हो जाएगा अच्छे से। दैट्स इट। और अब मैं इसे अच्छे से एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और अब मैं एक कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अपने अंडर आई को और अपने पूरे बेस को अच्छे से फिक्स कर लूँगी, यानी कि सेट कर लूँगी अच्छे से। मुझे अपना लुक जो है वो पूरी तरह से मैट रखना है, इसलिए मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट करूँगी इस कॉम्पैक्ट की हेल्प से। सो अब नेक्स्ट मैं करने वाली हूँ अपने आईब्रोज, और आईब्रोज पे मैं कोई भी एक्स्ट्रा पेंसिल, एक्स्ट्रा काजल या फिर पेंसिल यूज़ नहीं करूँगी। मेरे जो नेचुरल कलर्स हैं मैं उसे ही रहने दूँगी, बस उसे अच्छे से कॉम कर लूँगी ताकि मेरा नेचुरल कलर जो है वो अच्छे से इन्हेंस हो सके। मैं इसे फिंगर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर जो भी पाउडर्स लगे हुए हैं मैं उसे हटा दूँगी। सो अब नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी हल्का सा अपने लैश लाइन के, अपर लैश लाइन के ऊपर हल्का सा मैं काजल अप्लाई करूँगी। और मैं यहाँ पे काजल के लिए सेम आईब्रो पेंसिल लूँगी और इसे बस अपने लैश लाइन के करीब करीब से ही इसे मैं अप्लाई करूँगी। दैट्स इट।
सो अब नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा, और उसमें जो उनका जो लुक है उसमें उन्होंने ट्रांसपेरेंट मस्कारा यूज़ किया है, बट मैं यहाँ पे ये ब्लैक मस्कारा ले रही हूँ बिकॉज मेरे आईलैशेस जो है वो हद से ज़्यादा छोटे और महीन है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, तो इसलिए उन्हें थोड़ा सा पॉप आउट करने के लिए मैं इसे ब्लैक कलर का मस्कारा ले रही हूँ, और इसे भी मैं बिल्कुल लाइट अमाउंट में लगाऊंगी, बिल्कुल इसे मैं अच्छे से निकाल लूँगी, जितना भी एक्स्ट्रा है इसका प्रोडक्ट मैं इसे अच्छे से निकाल लूँगी बॉटल में, और सिर्फ इसके वैंड को हल्का हल्का करके अप्लाई करूँगी ताकि मेरा आईलैशेस जो है हल्का सा कर्ल दिखे। और मैं अपने लोअर लैश लाइन पर मस्कारा यूज़ नहीं करूँगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी ये वाला ब्लश, ये बहुत ही लाइट पीच काइंड ऑफ कलर है ये, और इसे मैं बस थोड़ा सा अमाउंट में अप्लाई करूँगी अपने चीक्स पर। आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा इस वाले चीक्स पर और इस वाले चीक्स पर। तो नेक्स्ट अब बारी आती है लिपस्टिक की, और यहाँ पे लिपस्टिक के लिए मैं कोई भी लिपस्टिक यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैंने अपने लिप्स पर ऑलरेडी लिप बाम यूज़ किया है जो कि हल्का सा लाइट पिंक कलर का है, और इसलिए मैं कोई भी लिपस्टिक यूज़ नहीं करूँगी, बस अपने लिप्स के ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है उसे रिमूव कर दूँगी। दैट्स इट, आप लोग देख सकते होंगे मेरा जो लिप बाम है उसके वजह से मेरा लिप जो है नेचुरल पिंक कलर का लग रहा है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोई भी लिपस्टिक यूज़ नहीं करूँगी। मेरा मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं अपना हेयर बनाकर आप लोगों के सामने आती हूँ। So this is my final look. I hope you like it, and if you did then do let me know in the comment section below, and please take a moment to subscribe my channel, hit the like button and press the bell icon also so you will never miss out any update. And aur is movie mein Sanjana Sanghi ji ne jo apne nose ke upar nasogastric tube lagaya tha wo mere paas nahi tha, to maine apne headphone se yani ki earphone se hi wo create karne ki koshish ki hai, to agar aap logon ko mera ye effort thoda sa bhi pasand aaya ho to please mere इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू वांट टू लर्न दिस शॉर्ट हेयर ट्यूटोरियल देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं आप लोगों को इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो शेयर करूंगी कि मैंने ये शॉर्ट हेयर जो है वो खुद से कैसे क्रिएट किया। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ आप लोगों के मोबाइल तक मेरा नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए।